कितना बड़ा हो गया है। ये स्पाइडर प्लांट के भी इसमें लगा के इसको भूल ही गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अंतरा क्रिएशंस के एक और नए वीडियो में। दोस्तों इस बार मुझे इसे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी जड़ों से भर गया है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इसकी कुछ जड़ें इस तरह से बाहर तक निकलने लगी हैं। तो कोई बात नहीं, चेक करते हैं। 3 से 4 साल हो गए हैं मैंने इसको रिपोर्ट नहीं किया है, थोड़ा देख भी लेते हैं कि पॉट की क्या हालत। तो दोस्तों ये है मेरा फिलोडेंड्रॉन का प्लांट, देख सकते हैं आप कितना हेल्दी और बुशी हो गया है। सॉरी, आप यहाँ देख रहे होंगे ये हेल्दी कह रही है, लेकिन इसकी लीव्स तो इस तरह से जली हुई हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि ये ना इस बार की गर्मियों से ख़राब हो गया है, इतनी गर्मी पड़ी थी। तो दोस्तों अपने इस फिलोडेंड्रॉन के प्लांट को मैंने 3 से 4 साल पहले अपने इस टायर DIY पॉट में लगाया था, और जब से इसमें लगाया है ना, मैं इसमें लगा के इसको भूल ही गई, क्योंकि पहले ना ये छोटी पॉट में था और प्लांट भी छोटा था, तो मुझे हर साल, कभी कभी तो साल भर से पहले ही मुझे इसकी रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, वरना ना कई बार तो मेरा वो पॉट भी टूट जाता था। इसकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होती थी, मतलब इसकी रूट्स आप देख सकते हैं, ये इस तरह से फैली रहती थी, बाहर निकल जाती थी तो ये मेरे पॉट को तोड़ देती थी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है, कितना बुशी है, बस इसकी ना पत्तियां थोड़ी जल गई हैं, वो भी इस बार की जो इतनी भयंकर गर्मी पड़ी थी ना दोस्तों, इसी वजह से इस प्लांट की इतनी पत्तियां जल गई हैं। तो पहले मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाती हूँ कुछ खास, इसमें ये देखिए, ये ना इस तरह से अपनी जड़ों को, तो इसकी रूट्स होती है ऐसे, ये इस तरह से अपनी रूट्स निकालता है, ये यहाँ से ये देखिए, और ये जड़ें जो हैं यहाँ आकर के मिट्टी में चली जाती हैं। मिट्टी में जाते ही ये इस तरह से जैसे सहारा लेता है ना एक प्लांट, चारों तरफ से देखिए इसने ऐसे जड़ों को मिट्टी में सपोर्ट, जैसे सपोर्ट, अगर ये जड़ें नहीं होती तो शायद ये प्लांट हवा आंधी तूफान से गिर जाता और इस प्लांट से उखड़ जाता, लेकिन इसने इतनी मजबूती से अपनी जड़ों को मिट्टी में डाल रखा है, और इसी वजह से इसी इतना सपोर्ट मिला है इसको कि ये पूरा चारों तरफ से आप देख सकते हैं कितनी जड़ें ये इस तरह से निकलती है, देखिए दोस्तों जड़ें ये। तो आज मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितनी जड़ें और हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मैंने अपनी सॉइल रेडी कर ली है, अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ। दोस्तों मैं सोच रही हूँ ना इसको यहाँ से कट करके, इतना तो हमारे पास है ही, इसको यहाँ से कटिंग करके मैं लगा देती हूँ इसी पॉट में, बाकी इसकी जो ज़्यादा जड़ें होंगी नीचे को ना, वो हम बाद में अपने आप निकाल देंगे मिट्टी के साथ। इसमें मेरे काफ़ी सारे स्पाइडर प्लांट भी हो रहे हैं, ये देखिए, ये प्लांट भी मुझे शिफ्ट करूँगी क्योंकि मेरे काफ़ी सारे प्लांटर्स सूख गए हैं, उनमें शिफ्ट कर लेंगे इनको। इसमें देख सकते हैं आप काफ़ी जड़ों से भरा हुआ है ये। अभी बारिश का समय है दोस्तों, इस समय रिपोर्टिंग करना बहुत अच्छा रहता है। ये जो मैंने स्टैंड बनवाए थे ना, ये पॉट के लिए ही मैंने बनवाए थे ताकि मैं इनको कहीं पर भी शिफ्ट कर लूँ इस तरह से, काफ़ी हैवी है ये। पहले मैं अपने इसमें से सारे स्पाइडर प्लांट निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी जड़ें इसकी बाहर तक निकल रही हैं। बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों उसको निकालना। ये थोड़ा थोड़ा करके मैंने इसकी जो पतली वाली जड़ें मिट्टी में इस तरह से गई हुई थी ना, इनको निकाल लिया। अभी जो मेन हमारी स्टेम्प है ये भी 3 है, एक साथ मैं इसको
निकाल लेती हूँ। मैं ना थोड़ा सा मेरा एक ये टूट भी गया है इस तरह से, देखिए बीच में से, बट कोई नहीं, इसको हमें कटिंग करके लगाना ही है। निकल गया है, अब इसकी मिट्टी को भी थोड़ा खाली कर लेते हैं। इतनी सारी मिट्टी निकल गई है इसमें, पर इसमें से मिट्टी निकलते जा रही है, निकलते जा रही है दोस्तों, पता नहीं कितनी मिट्टी है इसमें। और ये ना ये देखिए बीच बीच में इस तरह से जड़ें भी निकल रही हैं। वो अच्छा हुआ मैंने इसको आज रिपोर्ट करने का सोच लिया, क्योंकि अंदर ही अंदर ना इसमें बाहर से नहीं दिख रहा था कि रूट बाउंड हो रहा है, लेकिन अंदर से इसकी काफ़ी जड़ें हमें मिल रही हैं। काफ़ी टाइम लग रहा है दोस्तों उसको खुरपी से मिट्टी निकालने में, तो मैं एक प्लेट ले आई हूँ और इसको फटाफट से इसकी मिट्टी खाली करते हैं। जड़ें हैं जो निकलती जा रही हैं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो फटाफट से मुझे इसको खाली कर लेना है। पूरा खाली कर लिया है, तो ये देखिए दोस्तों मैंने इसको पूरा खाली कर लिया है, और ये इसका ड्रेनेज होल भी मैंने चेक कर लिया है। इसमें मिट्टी थोड़ा फंसी थी, निकाल ली है, बाकी देखने में ये छोटा लग रहा है, लेकिन इसमें इतनी सारी मिट्टी और जड़ें निकली हैं। तो चलिए अब करते हैं इस प्लांट की कटिंग शटिंग। ये देखिए दोस्तों कितनी जड़ें इसमें से निकली हैं, ये बहुत सारी जड़ें निकली हैं इसमें से, इसको सब जड़ों से भरा हुआ है ये। चलिए कोई नहीं, मिट्टी तो मैं लेकर आई हूँ, थोड़ी सी इसी में से मिक्स कर लेंगे मिट्टी को, और इन जड़ों को ना मैं अलग कर लेती हूँ, इसकी ना कटिंग कर लेते हैं। इतना ये काफ़ी हैवी हो रहा है इसको, ये देखिए यहाँ से जो मैं निकाल रही थी ना इस प्लांट को, काफ़ी बहुत भारी है ये, यहाँ से ये टूट गया था, तो मैं सोच रही हूँ इसको इतना ही कट कर देते हैं, इतना कट करके बाकी लगा देते हैं, क्योंकि इसकी रूट्स तो इसमें आई हुई है, ये अभी काफ़ी आसानी से लग जाएगा, काफ़ी लंबा भी ये हो गया है, तो इसको इतना तो ये टूट ही गया है ये वाला, इसमें दो तीन हमारे तीन सेम है। ये देखिए मैंने इसको कट कर लिया है, दूसरी को भी कर लेते हैं। ये मोटी स्टेम तो कट गई ना, लेकिन ये अटका हुआ है इन पतली पतली टहनियों के सहारे, इनको भी कट कर लेते हैं। इसको मैंने अलग कर लिया है, इसको कटिंग से अगर इसको हम लगाएं दोस्तों तो शायद इसमें नई ग्रोथ हो ना हो, मैं इसको कोशिश करूंगी, लेकिन ऐसे होती नहीं है इसमें। ये देखिए अब ना इसकी पत्तियां भी कुछ कम कर लेते हैं, बहुत भारी हो रहा है इस वजह से। जो धूप से हमारी पत्तियाँ जल गई हैं, डैमेज हो गई हैं बिल्कुल, देखने में भी ना अच्छी नहीं लग रही हैं, तो इनको भी हटा लेंगे। बारिश का सीज़न है दोस्तों, कटिंग इसको रिपोर्ट कर दिया है, तो इस समय ना बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होगी, और ये हमारा पौधा फिर से काफ़ी हेल्दी और खुश हो जाएगा। इतने ऊपर से इसकी रूट्स निकल रही है, देखो तो दोस्तों ये लगा देते हैं इसमें इसके ड्रेनेज में, और अब ये जो पत्तियां हैं ना इनको मैं इसके उसमें भर देती हूँ ऐसे, क्योंकि ऐसे अगर इसको हम खाली मिट्टी भरेंगे तो हमारी काफ़ी मिट्टी इसमें लग जाएगी,
इनको ऐसे इसके अंदर डाल देते हैं, ये डीकम्पोज हो जाएंगे, हमारी खाद बन जाएगी इनकी और हमें मिट्टी भी कम डालनी पड़ेगी। ये देखिए इस तरह से इसको हम डाल देते हैं इसमें। ये मैंने इसमें डाल लिया है और भी हमारी पत्तियां हैं इनको भी इसी में डाल लेते हैं। ये सारी इसमें अंदर से जो ये जगह होती है ये हमारी पत्तियों से ही फिल हो जाएगी। अब बारी आती है इसमें मिट्टी भरने की, तो चलिए मिट्टी इसमें डाल देते हैं इस तरह से। ये देखिए कितनी अच्छी मिट्टी मैंने तैयार की है, बाकी जो मैंने बनाई थी वो मिक्स कर दी। अब हम अपने इस प्लांट को इसमें लगा देते हैं। दोस्तों इसकी हाइट कम हो गई है इसलिए कोई नहीं, काफ़ी लंबा भी ये हो गया था तो अब कुछ समय बाद ये फिर से लंबा हो जाएगा, इसकी ग्रोथ बढ़ जाएगी। एक साथ ना इसमें तीन हमारे पौधे जुड़े हुए थे तो जिसकी वजह से ना ये पौधा काफ़ी अच्छा लगता है, बुशी भी लगता है। इसको मैंने पूरा फिल कर लिया है मिट्टी से। काम करते करते ना दोस्तों अंधेरा भी होने लगा है और काफ़ी देर लग गई इसको रिपोर्ट करने में, काफ़ी टाइम लग गया। तो चलिए कोई नहीं, फाइनली हमारा, मैं सोच रही थी दो तीन पॉट और थे मेरे रिपोर्ट करने में उनको भी कर लेती, बट इसी में इतना टाइम लग गया। बाकी पॉट को फिर हम दोबारा से जो प्लांट्स हमारे और रिपोर्ट करने हैं उनको फिर कभी करेंगे। आज इसी को करते करते हमें काफ़ी टाइम लग गई, इतनी मिट्टी इसमें आ रही है ना कि जो किनारे से इसको पूरा भरना होता है कि एरिया इसका, इसमें ज़्यादा मिट्टी लगी। वैसे मैंने उतने पत्तों को भरा था इसके अंदर, फिर भी इसमें इतनी मिट्टी लग रही है। देखने में इतना छोटा लग रहा है लेकिन मिट्टी इसमें बहुत आती है, इसीलिए मैंने इसमें अपना मिट्टी को भरा था। तो चलिए अब हमारी इसकी मिट्टी फिल हो चुकी है, इसको मैंने अच्छे से कर लिया है, काफ़ी देर तक चला। चलिए कोई नहीं, मेरा एक बहुत बड़ा काम आज हो गया है। तो आप सभी को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करती हूँ ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।